कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यकाल भवन के रूप में ग्वालियर के विकास में एक और नया आयाम जुड़ा है। वन मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्रम व रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े। वहीं ग्वालियर में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद विवेक नारायण शेजवाल ने फीता काटकर कार्यकाल भवन का उद्घाटन किया। बता दें कि हजीरा थाने के समीप लगभग 12,422 वर्ग फुट क्षेत्र में भूतल सहित 3 मंजिल में सर्व सुविधा युक्त यह कार्यकाल भवन बनाया गया है। उद्घाटन समारोह को वर्चुअल संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि कर्मचारियों की मेहनत की बदौलत ही देश को मजबूती व सुंदरता मिली है, इसीलिए कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना सरकार का नैतिक दायित्व है। इसके साथ ही सिंधिया ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से 10 अक्टूबर को ग्वालियर में एयर टर्मिनल के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होने का आह्वान किया, जहां प्रधानमंत्री मोदी इस एयर टर्मिनल का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। ऐसे ही आनंद की अनुभूति आज मुझे ईपीएफ के कार्यालय के उद्घाटन करते समय हो रही है। मैं इस अवसर पर अपने सभी इस अंचल के मजदूर भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भूपेंद्र यादव जी के मार्गदर्शन में श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ दोनों बहुत तेजी के साथ अपने आप में गुणात्मक परिवर्तन कर रहे हैं और आम मजदूर को सेवा और उसका हक मिल सके इसका प्रयत्न कर रहे हैं। आपने आज देखा होगा कि एक जमाना था जब 11 करोड़ 74 लाख खाते हुआ करते थे ईपीएफओ के, आज 30 करोड़ अकाउंट हैं। 4 करोड़ मजदूर हुआ करते थे, आज 8 करोड़ मजदूरों के रजिस्ट्रेशन हैं। कई लोग कहते हैं कि रोजगार कहाँ है, ईपीएफओ का ये अकाउंट इस बात का प्रमाण है कि रोजगार कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और अपनी कार्य पद्धति में मजदूरों का हक मजदूरों को मिले और उनका वेलफेयर हो सके, इस मामले में ईपीएफओ का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारे देश का 6वां सबसे बड़ा वेलफेयर का ऑर्गेनाइजेशन है।